बिजनेस अधिकारी हैं, सभी के द्वारा एक प्रश्न है। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट होगा, जिन्हें कुछ समझ में आया होगा, जो जानते होंगे, तो हमारे पदाधिकारी हैं, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी उनको देने की आवश्यकता नहीं है। पहले उनको आया हुए पदाधिकारी नहीं थी, लोग उम्मीद करते हैं उनको कुछ लाभ होगा इस वर्कशॉप से। इसी के क्रम में पहला प्रश्न है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को खुले हुए शौच से मुक्त कराना है, तो जिस तिथि घर को वहां दिया टारगेट अचीव किया जाना है, या तिथि किसी को अगर पता है कि हमारे प्रेजेंटेशन में लिखा तो कृपया बताएं, अपना नाम बताएंगे और फिर उसके बाद उत्तर बताएंगे। सबसे पहले इसमें कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं है तो सरकारी नहीं, पहले आप जनप्रतिनिधि लोगों में से जो भी लोग हैं सही जवाब है। लास्ट में एक साथ पांच लोग आने के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध कराना है? ये सत्तर क्या करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को पता है पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहा गया है। इसमें जो उसको घर बनाना है उसका साइज कितना होगा? कुछ स्क्वायर मीटर में यहाँ लिखा गया था, क्या करते हैं पर ताली बजाई। एक और आसान सा सवाल है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना सबको पता है, सब लोग जानते हैं, उसके अंदर अगर कोई आवेदन देता है रोजगार के लिए उसको कितने दिनों के अंदर जो है रोजगार उपलब्ध करा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी को हम लोग ने उसे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान कौन है?
शपथ दिलवाया जाएगा। उन्हें भी सौ से सौ सभी उपलब्ध।